सकते अपनी एज के हिसाब से आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो सभी लोग सब जितने बच्चे बजा रहे हैं इट डजंट मैटर कि आप कैसा प्ले कर रहे हो क्या बट आप स्टेज पर आपके स्टेज पे फेस कर रहे हो एंड आई एम डैम श्योर कि जितना आप यहाँ प्ले करते हो उससे बेटर काफ़ी अच्छा बेटर आप किधर प्ले करते हो ठीक है ना सो ये हमको होता क्या जैसे कि एक स्टेज का फियर होता है ना स्टेज के ऊपर होता है हाँ जी ये बीट का थोड़ा नॉलेज भी इन बच्चों को होना चाहिए बिल्कुल 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 है ना ये बीट लगा के प्ले करना और फिर जब गा रहे हैं लोग सिंगिंग कर रहे हैं उसके साथ ड्रम भी प्ले हो रहा है वो सिंक्रोनाइजेशन बच्चा नहीं कर पाता है हम लोगों ने लाइव बैंड स्टार्ट किया था लेकिन बच्चे एब्सेंट रहते हैं उसमें तो वो बन नहीं पाया तो अगर ये लोग इंटरेस्टेड हो बैंड के लिए तो अक्षय सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन बच्चों को लेकर के एक बैंड आप क्रिएट कर लो सो दैट कि पूरे बैंड के साथ सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है पियानो ड्रम गिटार सिंगिंग उस सबके साथ बजाना फिर प्ले करना ये सबसे बड़ी बात है बिल्कुल देखो एक सोलो प्ले करना एक अलग बात होती है लेकिन आप जब एक बैंड के साथ एक प्ले कर रहे होते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि आप बैंड में क्या जैसे अभी हम लोग प्ले कर रहे थे अभी हम ये एक छोटा सा एक जैमिंग आपको थोड़ा सा अपना करेंगे वो क्या है कि बेसिकली सर ड्रम्स प्ले कर रहे हैं सर कीबोर्ड प्ले पियानो प्ले कर रहे हैं सर गिटार वगैरह ठीक है ना और कोई गाता है तो वो चीज़ ऐसी नहीं हो जाती है ठीक है ना हम सबको आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलना चाहिए ठीक है अब बड़े बड़े स्टेज पे जो बड़े बड़े परफॉर्मेंस हो रहे होते हैं जब बहुत ज़बरदस्त जुगलबंदी हो रही होती है जब आर्टिस्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट जो जुगलबंदी वगैरह चलती है वो करते हैं वो ऐसे नहीं हो जाती प्ले करने वाले को बजाने उस सामने वाले का भी पता होना चाहिए कि वो क्या बजा रहे हैं वो रिदम कौन सी दे रहे हैं भले ही में बेशक मेरा इंस्ट्रूमेंट अलग है उनका इंस्ट्रूमेंट अलग है टोटली अलग है बट मेरे को उनकी नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज कैसे होती है वो नॉलेज ऐसी होती है कि अनलेस एंड अंटिल आप थोड़ा सा वैसा भी उनके साथ सीखो इट्स बेटर कि उनके साथ आप बैठ के मतलब या अगर बहुत अच्छा होगा कि आप थोड़ी बहुत जैसे अगर आप पियानो कर रहे हैं तो थोड़ा सा वोकल भी आप थोड़ा सीख लें थोड़ा रिदम रिदम सेक्शन भी सीख लें और रिदम जो सीख रहे हैं रिदम वाले ये भी सोच रहे हैं जो हाँ जी बेटा क्या यू नो ड्रम आल्सो यू कैन प्ले You want to play? Yeah, come. You know, Bia. Bahut achi baat. Good. Yeah.
काउंटिंग वो दे रहा है, ठीक है ना, और मैं चल रहा हूँ। मैंने उसको हटाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं हटा। इट मीन्स वो अपने सम का पक्का है। सम समझते हैं, अपनी बीट का पक्का है, अपने बीट का। बस इतने से। You all have to perform over there. It's a big chance. Okay? इतना बड़ा आपको chance मिल रहा है वहाँ पे perform करने का. You all have to perform there. Why you not performing? Rest on. ले करें सर, ये भी है। और जो लोग हैं वो क्यों नहीं कर रहे perform? जो नहीं आप okay जो नहीं perform कर रहे हैं raise your hand. Okay. आप भी perform नहीं कर रहे हो. Raise your hand clearly. डर क्यों रहे हो? जब perform नहीं भरा आपने तब नहीं डर रहे आप. ओके अब आप से पूछ रहे तो आप डर रहे हो. रेज योर हैंड. ओके 1 2 3 4 5 सी ओके हैंड आउट. वन मोर थिंग, इट इज नॉट अ बिग डील. आप वहां परफॉर्म कर रहे हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. ओके यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ दैट. बहुत अच्छा चांस है वो. सी आप जो भी कुछ भी प्ले कर रहे हैं, आपको चाहे थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, इवन यू नो ओनली वन थॉट. ओके इफ यू परफॉर्म देयर ना, वहां पे देयर विल बी अ बिग स्टेज और आपके सामने इतनी ऑडियंस होगी, वो जो एक्सपीरियंस होगा आपके लिए वो बहुत ही उमदा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा. ओके एक ड्रीम की तरह यू विल बी फील लाइक अ रॉकस्टार, यू फील लाइक अ ग्रेट आर्टिस्ट. आपको लगेगा कि हमने कुछ परफॉर्म किया है, इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं. एक बड़ा एक बिग मोटिवेशन है वो. यू हैव टू परफॉर्म ओवर देयर. ओके विल यू परफॉर्म? ओके विल यू फिल द फॉर्म? Louder, I cannot hear your voice. जोर से बताओ. आपको भरना है फॉर्म, आप चाहेंगे भरना? You have to fill the form. See, why are we all gathered here? Reason बताओ एक, हम यहाँ पे क्यों है सर? There's a piano class going on over here, no? Workshop is going on. Sir, आपको इतने बड़े सर, पता है आपको कितने बड़े हैं? He's a mentor of बादशाह. Do you know बादशाह? सबको पता है? सबको पता है ना? सर उनको ट्रेन करते हैं. आपको नहीं पता? फाजिल पूरी आपको पता है? सर उनके ट्रेनर है. वो लोग सर इतने अच्छे लेवल पे करते हैं, इतने बड़े लोग को ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो आए हैं यहाँ पे. वो आए क्यों आए हैं? वो जस्ट टू ट्रेन यू, आपको बताने के लिए कि आप अपनी हेजिटेशन कैसे हटाएं, अपने आप को कैसे ग्रो करें म्यूजिकली. ओके सिर्फ सीखना ही नहीं होता बच्चे, आप सीख रहे हैं, सीख के आप घर पे बजा रहे हैं, दैट्स गुड. बट इफ यू गेटिंग अ चांस टू परफॉर्म समवेयर ना, देन यू शुड. आप बिल्कुल बिल्कुल. सी एंड वन मोर थिंग, आप जब भी आपकी 30-40 क्लासेस हो जाती है ना, उसके बाद हमारे पास एक वीडियो शूट का यहाँ पे सेशन होता है जिसमें आप सबको पार्ट करना है. ओके आर यू लिसनिंग? I think some of you are not listening. I'm sorry, ma'am. Please, हमने कुछ बोल रहे तो आप प्लीज ध्यान से सुने प्लीज. Just 4-5 minutes के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो अब यहाँ पे जानी होगी, आप लोग सुनेंगे अच्छी अच्छी चीजें. ठीक है, जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है कल तो प्लीज फॉर्म भरे, आपसे रिक्वेस्ट है. ठीक है, क्योंकि वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, इट इज फॉर यू, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू. ओके इफ यू परफॉर्म देयर यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स, how to face the audience, how to perform with, you know, so many people. You are raising so many things. Yes, yes. Without defining any time scale. You say annual program. Yeah, yeah. We don't know when is the annual program. How can I answer the question? Sir, we have annual. Sir, please. On me. You firstly say, your annual concert will be on such and such day. Then I can think whether I can come up with some confidence by okay. My camera or not. But I don't know, annual function may be after 15 days, 1 month. See, you have to define. Yes, 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 yes. When you say annual, when you say video, please tell us when it's going to
sir, you will get so much time. Sorry, if you ask any question to me, what my answer, you have to tell me. Sir, but then if the annual day, yes, maybe yes, in December, yes, yes, we do. Maybe in December, maybe my course is ending in after 3 months or so. No, no, actually, yeah. Yeah, yes. Time frame has to be told. Yes, sir. Yes. Sir, ye basically civil students ke liye hota hai. Aur ye hum log isliye karte hain saal pe ek baar karte hain kyunki har saal nahi kar sakte. लेकिन कब आपका एनुअल डे कब होता है? वही बता दूं आपको, ये लगभग 3 महीने के बाद जुलाई में होगा. जुलाई लास्ट. मैं बोल सकता हूँ मैं 3 महीने में कितनी मेहनत करूंगा कि मैं वहाँ बैठ के काम करूँ. Yes, sir, we are about to tell you all these things. ये नहीं है सर, you are asking question after question without providing any framework. Actually, जो क्लास टीचर्स हैं जिनके पास आप सुन रहे हैं वो सब सबको सब लोग बता चुके हैं. वैसे मेबी शायद आपको मेबी शायद आपको नहीं पता. दैट इज द ओनली रीजन दैट यू आर आस्किंग. हां जी जी आपने लिख लिया एक एक में नाम है. लेकिन इवेंट जुलाई में होना है. मकसद ये नहीं कि बच्चा कैसा परफॉर्म करेंगे, मकसद ये है कि वो बच्चा स्टेज पे जाए, ऑडियंस को फेस करना सीखे, स्टेज मैनर्स उसको आए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप हो. मकसद इवेंट कराने का हमारा ये होता है. और अगर हमें एनुअल इवेंट कराना होता तो हम लोग कॉम्पिटिशन कराते. हम लोग कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं कराते, हम लोग समारोह कराते हैं जिसमें सभी बच्चों को परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म एक चांस मिलता है. और उसमें 9 से 3 मिनट का एक परफॉर्मेंस होता है जो भी स्टूडेंट देते हैं. और वो 3 मिनट का परफॉर्मेंस आपके टीचर इजीली उसको आपके पास सर अभी बहुत सारे समय. 3 महीने में सर बहुत कुछ हो सकता है. 3 महीने में जब पड़ा हो खाब से
अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिल है कौन सी, ना वो समझ सके ना। मेरे गुरु भाई का कैलाश जी का एक सॉन्ग सुना रहा हूँ जो काफी हिट हुआ था उनका, और उसके बाद कैलाश सर जो है कैलाश के जो सब लोग जान रहे हैं इतने अच्छे सिंगर हैं, बहुत उम्दा सिंगर है वो, सर की क्लास फेलो है। गुरु भाई ने दोनों ने भी गुरु के पास सीखा है। उन्हीं का गाना पेश करने जा रहे हैं, उन्हीं का एक सॉन्ग है। Yeah.
बनके माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं मैं आ जाऊं तेरे तन पे यूं झर जाऊं मैं तेरे प्यार में खो जाऊं आपको प्ले करने के साथ अगर आप गा भी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ अगर आपको रिदम की भी नॉलेज है तो उससे तो बेटर बात ही क्या हो सकती है। तो आपके पास सारी चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तानसेन आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप पियानो अच्छा प्ले कर सकते हैं तो आप रिदम में भी जा सकते हैं, आप ये दोनों अच्छा कर सकते हैं तो गा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपने टाइम पे सीखा था, खैर मेरे टाइम पे तानसेन ही होता था, ऐसे इंस्टीट्यूट ही होते थे, हमने तो गुरु जी के पास जाके सीखा, लेकिन तानसेन ने आपको हर चीज़ एक ही रूफ के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं के जी सर के लिए एक बहुत थैंक यू सर, आप एक रूफ के अंदर इन सभी को चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम शोज़ करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं हम एक स्टेज हमको कैसे मिलता है, ठीक है ना। तानसेन की सबसे बड़ी बात है कि वो आपको स्टेज खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि प्रैक्टिस करके वहां पे आपको 3 मिनट का परफॉर्मेंस देना, ठीक है ना। हमें तो पहले परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता था, फिर अपनी जगह ढूंढनी पड़ती थी कोई हमें सुने स्टेज पे जाए, ठीक है ना। आपको तो स्टेज मिल रही है, हाउ लकी यू आर। सो उस चीज को मिस मत करिए और जितना अच्छा हो सके आप प्रैक्टिस करके परफॉर्मेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। We heartily welcome you to join hands with us. Thank you.